पन्ना जिले के पवई विधानसभा में आने वाले ग्राम पंचायत महोर जहां बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सब स्टेशन सिमरिया दमोह पन्ना मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे मुख्य मार्ग घंटों बाधित रहा, जिसको लेकर सिमरिया तहसीलदार रविशंकर शुक्ला ने आनन फानन में मोर्चा संभाला और ग्रामीणों को समझाइश दी और लोगों को भरोसा दिलाया। जब कहीं लोगों के द्वारा अपनी बात रख कर चक्का जाम खोला गया, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 माह से बिजली खराब चल रही है, जिसको लेकर जेई सिमरिया से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं किया गया। जबकि बिजली बिल जो पंचायत महोड़ का बकाया है, उसका भी ग्रामीण लगभग 10% बिल भुगतान कर चुके हैं, पर अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जलने से लाइट नहीं मिल रही, जिससे हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने लाइट को लेकर कई बार सिमरिया और ICD के अग्रवाल को लिखित आवेदन और साथ में बिजली का बिल भी जमा किया है। पन्ना से चरणजीत बंजारे की रिपोर्ट। हमने चक्का जाम कर रहे हैं, क्या समस्या है? क्या समस्या है भैया? हमें परेशान है, मच्छर काट रहे, बच्चा भी हमारे परेशान है, हम भी परेशान है, कोई हमारी सुनाए नहीं है। बस्ती में कैसे रह सकते हैं? क्या सारे गांव में बस्ती में लाइट है, हर गांव में लाइट है, हमारे गांव में क्यों लाइट नहीं देते हैं जी? अच्छा, आप बिल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, गरीब आदमी है। आपके यहाँ लाइट नहीं है? नहीं सर। कौन से गाँव में हो? हल्की महोड़ में। आपका 2 महीने हम चलते हैं, लाइट कोई समस्या नहीं है। आपका नाम क्या है? हमारा फूल भाई। लोगों को पहले तो हमारे सब स्टेशन में कुछ खराबियां थी, कोई कारवाई करूंगा, अभी कुछ नहीं कर रहा, फोन कट कर दे रहे हैं। उसके बाद अब ये आज की जो घटना है, इसमें महोड़ में बकाया राशि बहुत ज्यादा होने के कारण हम ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हैं नियमानुसार। अच्छा, इस वजह से ट्रांसफार्मर नहीं है तो बिजली बंद है। अच्छा, उसकी वजह से ये लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। 1.5 माह से 1.5 लाख रुपए करीब जा रखा है आपके यहाँ बिजली, जो बिल बकाया उनने जमा किया है, बाकायदा हमारे पास बिल, उनके बिल भी हैं। इसके बाद भी आप अभी भी नहीं सचेत पा रहे हैं कि लाइट आए, जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, आज हाईवे जाम बंद किया है, कल कुछ बड़ी घटना, उसका जिम्मेवार कौन होगा, बताइए आप। देखिए सर, जिम्मेवार तो हमको लगता है कि कुछ बिजली विभाग भी है, कुछ जनता भी है। मैं जानना चाहूँगा कि अगर बिजली का बिल आप जमा नहीं करेंगे तो हम बिजली आपको सेवाएं कैसे दे पाएंगे? DP जलने के लिए ही ये एक नियम लगाया गया है कि अगर कहीं कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है, उस ट्रांसफार्मर को 10% की बकाया राशि जमा होने के बाद ही बदला जाए। सर, आप सिमरिया सब स्टेशन में पदस्थ हैं, किस पद पे कार्यरत हैं? जूनियर इंजीनियर। क्या नाम है आपका? DK अग्रवाल। महोड़ ग्राम के निवासी आए थे, वो काफ़ी समय से बिजली कटौती से परेशान थे, तो उनके समस्याओं को सुना, उसके बाद वहाँ पर मैंने जेई को बुलाया और समस्याओं का जेई ने बिजली विभाग के अधिकारियों उन्होंने बात की और कल से ही वहाँ पे काम स्टार्ट करके समस्या समाधान के लिए प्रयासरत हो गए हैं और मैंने इस समस्या को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दिया है। जो ग्रामवासी थे वो भी समाधान या विद्युत मंडल के सामने, सब स्टेशन के सामने क्या समस्या आ रही है, किस गांव से आप लोग? ये छोटी महोड़ खुर्द से हैं, ये 1 महीने से बिल्कुल भी लाइट नहीं है, नाला अलग परेशान है, पूरा रोड खुदा हुआ है, आना जाना पूरा पूरी तरह से महोड़ का चौक है और 1 महीने से YC लोग हैं, पैसा बिल के लिए केवल प्रेशर बनाए हुए हैं और पूरी जनता और बच्चे इतना दुखी है, परेशान है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई भी हादसा हो जाएगा तो ये कौन गवर्नमेंट, कौन विभाग इसकी भरपाई करेगा? अच्छा, लाइट किस कारण नहीं है, क्या समस्या? लाइट DP जली हुई है, जो कि गांव में 6-7 मोहल्ले हैं और 6-7 मोहल्ले मात्र एक DP छोटी सी रखी हुई है, आए दिन वो 4-6 दिन में वो जलती रहती है और विद्युत विभाग की ये जानबूझ करके ये लोग धांधली करते हैं। हाँ। कि जिससे कि ये बरहमे समस्या बनी रहे। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुखदेव पांडे है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।